आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर वन, लेकिन अब बात करेंगे एफएमसीजी कंपनी मैरिको की। और मैरिको का स्टॉक आज दरअसल कर रहा है आउट परफॉर्म, 4.5% ऊपर है। दरअसल कल इसने अपने पहले तिमाही के नतीजे पोस्ट किए और ये उम्मीद से बेहतर रहे। कंपनी के मुनाफे में करीब करीब 23% से ज्यादा की बढ़त दर्ज हुई, मार्जिन में सुधार दिखा। और डिटेल्स के लिए हमारे साथ मैरिको के एमडी सौगता गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुप्ता साहब, स्वागत है आपका। मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, क्योंकि नंबर्स बाजार एक्सपेक्टेशन से बेहतर रहे हैं, आपके लिए ये क्वार्टर कैसा रहा? जो इनिशियल हिट था लॉकडाउन के अनाउंस होते ही, उससे कितनी रिकवरी देखने को मिली है सेल्स में? सो आप पूरा क्वार्टर देखोगे तो अप्रैल वाज अ वॉश आउट, एंड देन मई जून में इंप्रूवमेंट हुआ है। मई जून में हम लोग ने 3% वॉल्यूम ग्रोथ देखे है और जुलाई में भी थोड़ा ग्रोथ आ रहा है, लेकिन जुलाई का जो क्वार्टर टू का जो सिचुएशन है थोड़ा वोलेटाइल ज्यादा है बिकॉज ऑफ ज्यादा लोकल लॉकडाउन्स कंपेयर्ड टू नेशनल लॉकडाउन, एंड देयरफॉर सप्लाई चेन एजिलिटी इज वेरी क्रिटिकल ड्यूरिंग क्वार्टर टू। और अभी हमारा उम्मीद है कि इफ द कोविड सिचुएशन इसी लेवल पे रहे, डजंट डेटोरिएट फर्दर, क्वार्टर टू में ग्रोथ दिख सकते हैं, क्योंकि हमारे लास्ट ईयर हैव यू नो दैट हमारे क्वार्टर वन का 31% कॉन्ट्रीब्यूशन था, क्वार्टर टू और क्वार्टर थ्री का बेस थोड़ा लो था। सो गिवन दैट जुलाई में ग्रोथ दिखाई दे रहा है तो उम्मीद करता हूँ कि क्वार्टर टू में भी ग्रोथ आ जाए। ओके, तो ज्यादा बेस इफेक्ट का इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, एंड होपफुली ऑफ कोर्स हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि जुलाई में ग्रोथ देखने को मिले या फिर सेकेंड हाफ में वो ग्रोथ देखने को मिले। अच्छा, मुझे याद है इस लॉकडाउन या फिर इस पैंडेमिक के पहले ग्रामीण इलाकों में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा था, लोग इतना नहीं खर्च कर रहे थे वहां पर, लेकिन जो ज्यादातर कंपनियों से हमारी बातचीत हुई है वो अब ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि रूरल मार्केट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। क्या वो अच्छी ग्रोथ आपने भी एक्सपीरियंस की है? इस समय क्या आउटलुक दे पाएंगे रूरल वर्सेस अर्बन मार्केट्स? डेफिनेटली रूरल सिचुएशन बेटर है अर्बन से, क्योंकि अर्बन में ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है कोविड में, और दूसरा अर्बन में ऑब्वियसली मॉडर्न ट्रेड में भी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, जनरल ट्रेड ठीक चल रहा है। तो अभी जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है, हमारा रूरल इज डूइंग बेटर देन अर्बन, एंड वी बिलीव दैट इट विल कंटिन्यू टू डू सो फॉर द नेक्स्ट वन और टू क्वार्टर्स। ओके, तो ये ट्रेंड जारी रहने की उम्मीद है। अच्छा, मार्जिन मैं देख रही हूँ आपकी इम्प्रूव हुए हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट मेरे ख्याल में आपका कम हुआ है तो उसका फायदा मिला होगा। क्या ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड रॉ मटेरियल कॉस्ट का जारी रहने के चांसेस हैं, और क्या आप मार्जिन को और बेहतर करने की पोजिशन में होंगे गोइंग फॉरवर्ड? नो, अभी जो एड स्पेंड्स आई थिंक जो ड्रॉप है वो ज्यादा ड्रॉप है इस क्वार्टर, क्योंकि हम लोग अप्रैल में एडवर्टाइज नहीं किया था। हैविंग सेड दैट, हमारा बैलेंस थ्री क्वार्टर्स में पिछले साल से 100 टू 150 बेसिस पॉइंट्स एड स्पेंड शायद कम रहेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत कॉस्ट इफेक्टिवनेस बहुत प्रोग्राम कंपनी में चालू कर दिया। वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड अ बिग कॉस्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइज अक्रॉस, लेकिन जो चेंज होगा अभी क्योंकि कंज्यूमर के पास डिस्पोजल इनकम कम रहेगा इन दिस सिचुएशन, वी विल पास ऑन जो बेनिफिट मिलेगा हमारे रॉ मटेरियल इन टू द कंज्यूमर्स। इनफैक्ट पैराशूट में हम लोग ऑलरेडी बेनिफिट पास कर चुके हैं, आई मीन लास्ट मंथ से। ओके, और इसीलिए बैलेंस ईयर डेफिनेटली वी शुड बी एबल टू डिलीवर 20% प्लस ऑपरेटिंग मार्जिन। ओके, तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि आप कह रहे हैं 20% प्लस मार्जिन देखने को मिलेंगे, कॉस्ट प्रेशर्स या फिर जो कॉस्ट पॉजिटिव्स हैं उसको आप पास ऑन करेंगे, जो आपने शायद पैराशूट और दूसरे ब्रांड्स में भी किया है, ये बताइए क्या ये फिर आपके वॉल्यूम ग्रोथ में ट्रांसलेट करेगा? होपफुली विल बी एट द एंड ऑफ कोविड, जब अगली बारी आपसे बात की जाएगी सेकेंड क्वार्टर के नंबर्स में, तो किस तरह के वॉल्यूम ग्रोथ या चेंज की आप उम्मीद कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड? सो फर्स्टली आई थिंक वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कि क्या क्वार्टर नेक्स्ट तीन क्वार्टर में क्या ग्रोथ होगा, बट हमारे उम्मीद है कि इफ सिचुएशन डजंट ड्रास्टिकली डिटोरिएट, क्योंकि हमारा बेस थोड़ा सॉफ्ट था, टू गिव सम ग्रोथ इन द नेक्स्ट थ्री क्वार्टर्स। एज रिगार्ड कंज्यूमर शिफ्ट, दो तीन शिफ्ट डेफिनेट है। एक तो इन होम फूड कंजम्पशन, डेफिनेटली ये ट्रेंड जारी रहेगा।
मच मोर हाइजीन हैबिट्स लाइक हैंड वॉश सैनिटाइजर्स एंड अदर हाइजीन हैबिट्स इन द कंज्यूमर एंड थर्ड आई थिंक शॉपिंग बिहेवियर ई कॉमर्स का सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो चुका है और दैट इंक्रीज विल बी परमानेंट एंड डिजिटल कंजम्पशन सो डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड डिजिटल स्पेंड्स और हमारे गो टू मार्केट में भी ऑब्वियसली देयर विल बी लॉट मोर ऑटोमेशन ऑल राइट बहुत बहुत शुक्रिया स्वागता जी हमारे लिए समय निकालने के लिए ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स में उम्मीद यही है कि थोड़ा सा स्पेंड बढ़ता हुआ दिखाई देगा और जो ग्रामीण इलाकों में मोमेंटम है वो अर्बन एरियाज भी पकड़े तो मैरिको के शेयर में वो रिफ्लेक्ट होगा गोइंग फॉरवर्ड स्टॉक आज वैसे 4.5% ऊपर है अच्छा इस बीच खिलाड़ी नंबर 1 पर वापस